गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स आजकल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज हम कुछ इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच होता है, बटरफ्लाई होती है या मॉस्किटो होता है, उन सब के बारे में अगर आपको मालूम हो तो सबके सब क्या करते हैं, एग्स देते हैं। यानी उनके जो यंग वंस हैं वो किससे पैदा होते हैं, अंडे से पैदा होते हैं। यानी सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो एग देते हैं और उन एग्स से उनके यंग वंस यानी उनके बच्चे पैदा होते, ठीक है। लेकिन जिस तरह का एग दिखता है या उसमें से किसी तरह का छोटा सा बच्चा बाहर आता है और डेवलप करके एडल्ट बनता है, इसका मतलब उस यंग वन और उस एडल्ट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, काफी डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस नाम दिया करते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब हुआ? मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ कि यंग वंस और एडल्ट के बीच में जो लंबा चेंज होता है, जिसको हम कह सकते हैं द मैनी चेंजेस दैट एन एग अंडरगोस बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट। यानी एग एक एडल्ट चाइल्ड या यंग वन होने के से पहले उसमें जो चेंजेस होते हैं उस सारे के सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। आइए उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहां हमने लिखा मेटामॉर्फोसिस द चेंजेस दैट अंडरगोज बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। किसके बारे में बात की जा रही है? दिस इज द केस ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट में आपको मैंने क्या बताया, एग्स डेवलप होते हैं और एग्स के बाद फिर जब तक वो एडल्ट नहीं बनता तब तक उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। यानी उस एग और उस एडल्ट के बीच में बहुत सारा डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस होने के जो सारे प्रोसेस हैं उसका नाम जो है मिला करके मेटामॉर्फोसिस बोल दिया जाता है। इज इट फाइन? राइट। आइए और आगे बढ़ेंगे। आइए अब आपके साथ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की लाइफ साइकिल, कॉकरोच जिसके बारे में आपको मैंने अभी बताया पहले कि वो एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और अंडा जब फूटता है तो उसके बाद उसमें से एक न्यू बेबी पैदा होता है। तो कॉकरोच के केस में भी ऐसा ही है। तो कॉकरोच की जो मदर है वो क्या करती है, जिसे फीमेल आप बोल सकते हैं, वो अंडे देती है कैसे प्लेस पर, किसी सेफ प्लेस पर, डार्क प्लेस पर। और उसके बाद एक टाइम में एक नहीं देती है, एक टाइम में ज़्यादा अंडे होते हैं, ठीक है। और वो अंडे अपने आप से ही फूटते हैं और फूटने के बाद उसमें से एक कॉकरोच निकलता है। यानी जिसकी शक्ल मेन कॉकरोच जैसी होती है लेकिन साइज थोड़ा छोटा होता है। जितना बड़ा कॉकरोच देखा होगा ना आपने अपने घर में, तो उतना बड़ा नहीं होता है। तो वो जो एग में से जो कॉकरोच निकलता है उसको हम निम्फ कहते हैं, NYMPH। और ये निम्फ के अंदर धीरे धीरे चेंजेस होते हैं लेकिन उसके विंग्स नहीं होते हैं, उड़ने लायक नहीं होता है वो, ठीक है। अब क्या होते हैं, उसके पहले जो भी विंग्स निकलते हैं वो धीरे धीरे कई बार क्या होते हैं, हटते हैं उसकी बॉडी से। हटते हैं का मतलब है कि झड़ जाते हैं फिर नहीं आ जाते, झड़ जाते हैं फिर नहीं आ जाते हैं। तो फाइनली वो कॉकरोच एक एडल्ट कॉकरोच की फॉर्म में बड़ा हो जाता है और उसका नाम निम्फ ना होकर के अब क्या रह जाता है, कॉकरोच हो जाता है। और फिर वही कॉकरोच फिर आगे अंडे देता है, फिर आगे डेवलप निम्फ। तो इस तरीके से कॉकरोच की ये लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच मैंने आपके सामने बनाई। और साथ ही साथ
एक बात और यहां पर है कि शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। मॉल्टिंग भी एक वर्ड यहां पर यूज कर रहे हैं हम लोग। मॉल्टिंग का क्या मतलब है? शेडिंग ऑफ स्किन। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो निम्फ है ये बहुत छोटा होता है इस कॉकरोच के कंपेयर में। कॉकरोच बड़ा होता है, निम्फ जो है वो छोटा होता है, और साथ ही साथ उसकी जो स्किन है या लेयर जो भी उसके ऊपर जो विंग्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं, बार बार गिरते हैं। उस गिरने का नाम क्या है? शेडिंग। देखेंगे आप अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है, शेडिंग ऑफ द स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। ये भी लिखता हूं मैं आपके सामने, नोट कर सकते हैं आप इसको, राइट? तो शेडिंग ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड मॉल्टिंग, इज इट फाइन? तो इस तरीके से कॉकरोच के बारे में मैंने क्या बताया, एग, एग से निम्फ, निम्फ से कॉकरोच, और निम्फ के बारे में बताया कि वो कई बार शेडिंग ऑफ स्किन करता है और उसके बाद फाइनली डेवलप होकर के एक नया एडल्ट कॉकरोच बन जाता है, जैसा कि आप अपने घर के अंदर देखते हैं। इज इट फाइन? राइट। तो ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में इतने रहने देते। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स के बाद हमने, या इंसेक्ट्स के अंदर हमने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो आगे और लाइफ साइकिल्स भी हमारे सिलेबस में है, तो उनको भी हम आपके साथ धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।